भारत इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संकट से जूझ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड की कमी के कारण कई लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों को खो दिया है। देश भर में कोरोना संक्रमित मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा की है। ऐसे में बॉलीवुड और टीवी के कई सेलेब्स कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने हाल ही में 100 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की व्यवस्था की है। इसके बाद अजय देवगन भी अब इस मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। अभिनेता ने मुंबई में शिवाजी पार्क में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 20 आईसीयू बेड्स का इंतजाम किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन ने कोरोना वायरस महामारी के बीच एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अजय देवगन ने बीएमसी को कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों के लिए 20 आईसीयू बेड्स का इंतजाम करने में मदद करने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। ये अस्पताल मुंबई में शिवाजी पार्क क्षेत्र में बनाया गया है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।